दोस्तों, कभी न कभी आपने भी ये जरूर सुना होगा कि लड़कियों का सच्चा साथी डायमंड्स यानी हीरे होते हैं। आप में से कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने सपनों की रानी के लिए डायमंड की कोई चीज गिफ्ट में दी होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि नेचुरल डायमंड्स बहुत एक्सपेंसिव और दुर्लभ होते हैं, जिनको बनाने में काफी वक्त भी लग जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में ऐसी जगह भी है जहाँ डायमंड्स की बरसात होती है। चौंक गए ना आप भी, लेकिन ये सच है। यहाँ पानी की नहीं बल्कि डायमंड्स यानी हीरों की बरसात होती है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जगह हमारे ग्रह पर नहीं है। तो अगर ये पृथ्वी वो जगह नहीं है तो कहाँ होती है ये अनोखी चमत्कारी घटना? तो चलिए हम बताते हैं आपको। हीरो की बरसात होती है यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों पर। मुझे पता है ये सुनकर आपके दिल में भी इन ग्रहों पर जाने का ख्याल आया ही होगा, है ना? तो चले, स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में नेपच्यून 8वां ग्रह है। ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी ऑर्बिट से संबंधित है, यानी ये हमसे बहुत बहुत ही दूर है। सूर्य से इसकी ज्यादा दूरी और इसका कंपोजिशन, जिसमें ज्यादातर तरल पदार्थ और गैसें हैं, उसे देखते हुए इस ग्रह पर जीवन मुमकिन नहीं लगता। जुपिटर और सैटर्न की तरह नेपच्यून का वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से भरा है, और हो सकता है कि इसमें हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के अंश भी हो। वही इसकी सतह पर पानी, अमोनिया और मीथेन से बने बर्फ के अंश है, और ब्लू रंग इसके एक्टिव एटमॉस्फेयर के हल्के धुंध की वजह से है, और मिडल लेयर्स में मौजूद ये बर्फ प्रॉपर्टीज को शेप देती है। नीचे की ओर 3000 किलोमीटर का हाइड्रोजन हीलियम एटमॉस्फेयर है। वहाँ आइस लेयर मौजूद है जो करीब 17,500 किलोमीटर घना है। अनुमान के मुताबिक ग्रेविटी मिडल लेयर में हाई डेंसिटी तक आइस को कंप्रेस करता है, जिसके बाद अंदर की गर्मी कई हजार डिग्री तक इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। हाई टेम्परेचर के बावजूद लगाया गया प्रेशर पृथ्वी पर वायुमंडलीय प्रेशर से 10 लाख गुना ज्यादा होता है, जो आइस को कंप्रेस करते हुए उसे गर्म डेंस ईंधन में बदलता है। ऐसी गर्मी और प्रेशर की वजह से अमोनिया और मीथेन केमिकली रिएक्टिव हो जाते हैं, और यही प्रेशर आइस लेयर्स के अंदर हीरों के बनने की वजह बनते हैं। बनने वाला हीरा बर्फ की परत में बचे मीथेन, अमोनिया और पानी से भी ज्यादा सघन होता है, जिससे कि कार्बन क्रिस्टल ग्रह के कोर की तरफ सिंक होना शुरू कर सके। जब ये दूसरे आइसोलेटेड कार्बन परमाणुओं या हीरों तक पहुँचते हैं तो ये गिरते हुए नई परतें जमा करना जारी रखते हैं, जिससे हीरे के ब्लॉक एक विशाल आकार तक पहुंच सके, जिसके परिणाम स्वरूप मोटी कार्बन लेयर्स या परतें ग्रह के चट्टानी कोर्स को घेर लेती है। हो सकता है कि इन्हीं कार्बन लेयर्स में सॉलिड डायमंड के ब्लॉक्स शामिल हो, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से हो सकता है कि ये लिक्विड कार्बन या सॉलिड के साथ साथ लिक्विड कार्बन के मिश्रण में ट्रांसफॉर्म होते हो। तो अगर ये लेयर सॉलिड और लिक्विड कार्बन से मिला जुला रहा तो सॉलिड कार्बन की डेंसिटी लिक्विड कार्बन की डेंसिटी से कम होगी। इसके परिणाम स्वरूप लिक्विड कार्बन के महासागर के ऊपर तैरने वाले बड़े डायमंड बर्ग्स यानी पहाड़ की तरह हो सकते हैं। लेयर की हर एक कंपोजिशन, फिर चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या दोनों का मिश्रण ही क्यों ना हो, ये प्लैनेट के कोर पर अलग अलग तरह से असर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, ठोस हीरे में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग सरफेस और सख्त क्रिस्टल जाली होती है, जबकि लिक्विड कार्बन मेटैलिक कंडक्टर और फ्लेक्सिबल होता है। कार्बन लेयर के गुणों को समझने से हमें ये जानने में मदद मिल सकती है कि ये प्लैनेट बिलियन साल पहले रॉकी प्रोटोप्लैनेट कोर से बनी थी या नहीं। क्या आपको भी लगता है नेपच्यून के सरफेस पर क्या सच में हीरे हैं, या ये कार्बन का कोई दूसरा कंपाउंड है? अब भले ही वो हीरे हो या ना हो, लेकिन एक बात तो है,
कि वे निश्चित रूप से हमें उत्सुक बनाए रखने के लिए बेहद आकर्षक हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।